गाइज वेलकम टू अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और अभी ये है कि मैंने अपने चिक्स को निकाला है बाहर, ठीक है। और ये है कि इनका गेज मैंने उठा के रखा है इधर बाहर, और फिलहाल ये है कि इनको डाला है बाजरा। और हमारे जो है ना कुछ चूजे जो हैं इनकी लेग्स पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, इसको पता नहीं किसी चीज़ ने काटा है या क्या हुआ है इसको भी, और ये वाले को भी, इसको भी ये प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी फिलहाल इनको मैंने बाजरा डाला है, और साथ में ये है कि ये करवा रहे हैं इनको फीड, ज़रा करवा लें पानी शादी इनको मैंने रख दी है पीने के लिए। तो वैसे इसके जो हैं आस्ते आस्ते से कम इनके निकलते आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी पानी का इसका ये मसला है, पानी इनको लगता है किसी और बर्तन में रखना पड़ेगा, ये बहुत ऊंचा सा है इसमें ये जा नहीं सकते इसमें, क्योंकि दो हमारे जो है ना ये चूचे जो हैं दो ज़ख्मी हो गए इनके लेग्स वगैरह। तो बहरहाल इनको तो अभी मैंने निकाला है, इनको मैंने बाजरा डाला है, और अभी रहेगा मुर्गे बाहर। तो ये आ गए, तो इन्होंने मेरे ख्याल से फीड नहीं की हुई है, इनको भी थोड़ा सा बाजरा डालता हूँ बाहर। तो यहाँ पे नहीं डालूँगा फर्श है, उधर ज़मीन पे इनको डालता हूँ। इनको ना अभी मैं निकाल के स्टोर रूम से ले आया हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल ये हमारी सील मुर्गी इनको नहीं खाने दे रही है, तो फिलहाल इनको मैंने डाला है बाहर बाजरा, ताकि ये बाजरा वगैरह फिनिश कर लें। और सेकेंड ये है आज धूप बड़ी सख्त है, और दूसरी बात ये कि हमारे गीजिस का काम अभी डोर्स का नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा बिज़ी था इस वजह से अभी तक किया नहीं है। तो फिलहाल ये फीड करें इनके लिए रखते हैं यहाँ पास पानी पीने के लिए, तो ताकि ये फीड करने कर इनके लिए पहले ले गया था पानी, पता नहीं पानी भी सुबह से इनको डाला है नहीं डाला किसी ने। तो क्योंकि वैसे घर से कभी कभार वो आ जाता है, लेकिन आज नहीं आया, अभी टाइम हो चुका है दिन के 12, तो सो इसलिए इनको पहले पानी भी रखूँ, बाकी बाजरा ये फीड कर लें। तो फिर ये गेज की थोड़ी सी नीचे से अंदर से आज वो सेटिंग करेंगे, इनसे कचरा उठाएंगे। तो फिर इनके डोर्स जो हैं वो एक का दिन और लग ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ किसी काम में, इस वजह से अभी काम कंप्लीट नहीं हो रहा। ये हमारा जो मुर्गा है ना ये तो लेट के फीड कर रहा था, ये वाला ये जो पहाड़ी सील मुर्गा है, बाकी दो जो हैं वो हम नॉर्मल रूटीन में कर रहे थे। बट फिलहाल इनका बर्तन ढूंढते हैं पानी वाला, इनको रखते हैं पानी। इस तरह पानी इनको मैंने रख दिया पीने के लिए, लेकिन ये एक हमारी मुर्गी जो है ना ये इनको खाने नहीं दे रही है। और मैं देखता हूँ मुर्गों को ना मैं केज के अंदर डाल देता हूँ वहाँ पे, ताकि ये यहाँ पे खा लें, तो मुर्गी जो है बाहर बाजरा खा लें। यार चूजे अभी हमारे पास रह गए हैं 7, और उसमें से ये है कि एक अभी छोटा सा बच्चा है उसको मैंने दे दिया, वो घर ले गया। और जो दो हैं ना ये तो मुझे मुश्किल ही लगता है ये सर्वाइव करें, ये वाले दो ये जो बैठे हुए हैं ये तो नहीं कर सकते हैं, इनको पता नहीं चूज़ों ने मारा है किसी चीज़ ने काटा है, इसकी लेग्स पे ये मसला हुआ हुआ है। और ये दूसरा जो है ना इसकी लेग्स पे ज़्यादा मसला हुआ है, ये स्वेल हुई है इसकी, तो ये मुश्किल ही बचे क्योंकि इसने फीड वगैरह भी नहीं की है। तो बाकी जो हैं बाकी 5 जो हैं वो एक्टिव हैं, ठीक हैं। मुर्गों को ना मैंने गेज के अंदर साफ़ करके यहाँ पर डाल दिया बाजरा, और मुर्गी जो है उसको मैंने डाला हुआ है बाहर, तो ये बाहर इधर खा रही है। तो मुर्गों के लिए इसलिए ये गेज में डाला है क्योंकि मुर्गी इनको खाने नहीं देती है। और ये अभी फिनिश करेंगे तो फिर ये बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इसका दरवाज़ा तो है नहीं हमारे गेज का, तो इसलिए मुर्गे दोनों कर रहे हैं अंदर फीड। मुर्गी भी गेज के अंदर आ गई है, तो ये अभी बाजरा फिनिश कर लें। तो बाकी इनको पानी मैंने गेज के बाहर रख दिया, और कुछ मैंने बाजरा इनको ना गेज के बाहर डाल दिया है। तो बाकी ये हमारा ये जो गेज है ऑलमोस्ट काफ़ी बड़े है, इसमें हमारे तकरीबन 2-2 पेयर आ सकते हैं, एक सील मुर्गी मुर्गा, और मतलब 2 जोड़े यहाँ पे इजीली आ सकते हैं, क्योंकि गेज मैंने इतनी हाइट पे बनाए हैं और काफ़ी बड़ा है ये वाला गेज। दूसरी वाला जो है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये वाला काफ़ी बड़ा है। तो सिर्फ ये इन मतलब 3 मुर्गों के लिए मैंने सेट किया था, बाकी मैंने कहा साथ साथ जब ले गएंगे तो बनाएंगे। तो बाकी फिलहाल ये बाजरा शाजरा फिनिश करें, तो चूजे जो हैं उनको मैंने रख दिया है बाहर धूप पे। यार सीन कुछ ऐसा है मेरे ख्याल से ना ये चूजे दोनों मर जाएंगे, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ये फीड तो ये कर भी नहीं रहा है, थोड़ी बहुत इसने की है, बाकी इसकी लेग्स का प्रॉब्लम है। तो अभी इनका करें बंदा क्या, इसने फीड अच्छी खासी की है, लेकिन इसकी टांग भी ना बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इसको पता नहीं किसी चीज़ ने काटा है या चूज़ों ने मारा है, ये समझ नहीं आ रही है, ये सारी इसकी लेग ख़राब हुई है, और इसकी भी ये इसकी ज़्यादा ख़राब हुई है। तो फिलहाल ये मुश्किल है, ये दोनों बच्चे अभी पीछे 5 ही रह जाएंगे। तो ये देखते हैं इनको निकालते हैं, पता नहीं इनको चूज़ों ने मारा है या क्या हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना ये वाला ज़ख्मी हुआ हुआ है, दूसरा फिर थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सर्वाइव करे, ये मर जाएगा ये भी।
तो बाकी फ़िलहाल इनको मैंने बाजरा तो डाल दिए, पानी में कोई और प्लेट रखता हूँ उसमें इनको रखता हूँ ताकि ये पानी इजीली पी सकें, ये जो दोनों जो जिनकी टांगों पे लगी हुई है ये वाले चूज़े, चूज़े मारते हैं या बाहर से कुछ चीज़ इनको जा के काटती है या किस तरह कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनकी दोनों की सेम लेग्स पे लगा हुआ है। तो सोच ली इनका केज आज स्टोर रूम में नहीं रखेंगे, आज किसी और रूम में इनका केज करेंगे शिफ्ट पक्की जगह पर, ताकि जहाँ पर चूहे वेराइज, मेरे ख्याल से ये चूहे वेराइज ज़्यादातर इन पर करते हैं अटैक यहाँ पर, क्योंकि ये सारा एरिया ओपन है और है भी साइड पे, यहाँ मिट्टी है और सारा काफ़ी ज़्यादा जो है ना गंद है यहाँ पे, तो इस वजह से ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इनको ना मैं प्लेट में पानी और रखता हूँ जो बिल्कुल डाउन सी हो, ताकि ये दो जो चूज़ें इजीली पानी पी सकें। तो फिर इनका अगला देखते हैं प्लान क्या करें, किस रूम में इनको रखते हैं, स्टोर रूम में आज नहीं रखेंगे क्योंकि वो रूम है कच्चा, तो उस वजह से वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, इनको किसी और रूम में रखते हैं। जी गाइस ये रूम सारा कच्चा है, तो यहाँ पता नहीं कोई चीज़ आ जाती है इनको काट देती है, तो वैसे वो एरिया तो मैंने सारा कवर किया है, बंद किया है यहाँ पे सुराख थे ज़मीन के, तो बाकी ये एरिया है, लेकिन फिर भी इनको आज देखते हैं, या तो इनको हाइट पे रखेंगे ताकि इनको कोई चीज़ इस तरह अटैक ना कर सकें। इनको उठा के खुद ही पानी पिलाना पड़ेगा ताकि ये फीड तो कर चुके पानी पी ले। दूसरे वाले को ना पानी पिलाते हैं, ये वाले को इसको ज़्यादा लगी हुई है पानी पी रहे हैं। तो बाकी यार इनको मैंने फिलहाल इसमें पानी डाल दिया ताकि ये पी लें, तो ये जो बाकी ये पांच जो हैं बिल्कुल ठीक हैं, तो उनको इसके भी पाँव पे हल्का सा कुछ, इसका भी ये नाखन जो है ना ये बिल्कुल निकला हुआ है, इसको बदन किसी चीज़ ने मारा है, ये सारों को कुछ हुआ हुआ है यार, सारों के पाँव जो है ना वो ख़राब हो रहे हैं सारों के। देखते हैं इनको नीचे ना हुआ तो मिट्टी डालते हैं आज गेज के अंदर, ताकि इनको ना तो मसला मतलब नीचे ये कारपेट टाइप सी हार्ड है या किस वजह से, नीचे इनको थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं गेज के अंदर, ताकि ये इजीली ना, ये देखे चूजे इसको मार रहे हैं तो इस वजह से ये मर रहा है। ये मेरे ख्याल से नहीं यहाँ पे बचेंगे, सरवाइव नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे सारे, क्योंकि ज़्यादातर ये ना सारे इनके पाँव इनके सारों के ख़राब हो रहे हैं, तो ये मुश्किल ही करेंगे, क्योंकि ये वाले जो चूजे हैं इनको मार रहे हैं जहाँ जहाँ पर लगी हुई है। पर इनको ना मैं अभी रखने लगा हूँ धूप पे थोड़ी देर, तो फिर देखते हैं इनका भी क्या आगे करें प्लान। ये सारे जो है ना इसको आगे मार रहे हैं ये वाले चूज़े को, तो इसलिए इसको भी बाहर निकाल के छोड़ना पड़ेगा और इनको भी, तो इनको मैं रखता हूँ थोड़ी देर धूप पे, फिर उसके बाद इनको कर दूँगा बंद। तो इन जो पाँच दाने ठीक हैं इनको तो मैंने निकाल दिए बाहर, तो इनको थोड़ी देर छोड़ते हैं बाहर, बाकी जो दो हैं वो रह गए केज के अंदर, तो इनको ज़रा पानी के पास कर देते हैं ताकि इन्होंने पीना है पी लें, बाकी ये मुश्किल ये नहीं बचेंगे, ये दोनों मर जाएंगे, तो बाकी ये पांच जो हैं ये एक्टिव हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा बाहर छोड़ते हैं गेज से। तो फिर जाते हुए इनको मैं कर जाऊंगा बंद गेज के अंदर ही, तो ये इनको थोड़ी देर इसलिए बाहर निकाला है क्योंकि ये नीचे मिट्टी है, शायद इनके पाँव शाँव ठीक हो जाए, क्योंकि वहाँ पर इनके सारे पाँव ना नीचे से ख़राब हो रहे हैं चूज़ों के। यार हमारे सील मुर्गे जो हैं वो बाजरा वगैरह फिनिश कर चुके हैं, पानी पास मैंने रख दिया मुर्गी केज के अंदर है, तो बाकी ये कर देंगे इनको, तो वैसे ये सेन में ही रहेंगे कुछ टाइम तक, तो एक दो घंटे तक इनको फ्री छोड़ेंगे, फिर उसके बाद इनको मैं करूँगा बंद। तो बाकी केजेस वगैरह इनके मैंने अंदर से साफ़ कर दिए हैं, तो स्टोर रूम की सफाई करनी लेकिन वो कल ही करेंगे, तो ये दाँ के फीट शीट कर लें, तो फिर इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ, फिर उसके बाद इनको बंद कर देंगे इनको भी स्टोर रूम के अंदर। आज के रिलेटेड छोटा सा ब्लॉग था, उस की आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो देहात में जो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग।